वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेस। मैं हूं विकेश कुमार। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, यानी कि पॉलिनोमियल पार्ट वन में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, टर्म एंड कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेसिक ऑन टर्म एंड डिग्री। तो ये चार पॉइंट हमने पढ़ा था पार्ट वन में। लेकिन पॉलिनोमियल पार्ट टू यानी इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ए गिवन पॉइंट, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बेसिक हम दो तीन पॉइंट्स पे आज कवर अप करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स केस क्या होता है। पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम एक्स का वैल्यू रख देते हैं टू, एक्स इक्वल टू क्या रख दिए टू, तो एक्स इक्वल टू टू रखते हैं तो पी टू का वैल्यू क्या होगा, फाइव इंटू एक्स की जगह क्या रख दिए टू, तो होल स्क्वायर फोर इंटू टू प्लस टू, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया P2 इज इक्वल टू 14, तो हम बोल सकते हैं P2 इज 14, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के पीएक्स के लिए P2 का वैल्यू 14 आया, तो ये इसका वैल्यू हो गया, दैट्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज 14, तो ये सारी चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर नंबर रखते हैं जो रिजल्ट आ गया वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट पॉइंट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं रिजल्ट जीरो आ जाता है तो वो वैल्यू होगा जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि पी एच इज इक्वल टू 5x+7, ठीक है। तो एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि इसका रिजल्ट जीरो आ जाए, ठीक है। अगर मान लेते हैं पी के इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो के इज जीरोज ऑफ पी एच, क्लियर। तो के इसका क्या होगा, जीरोज होगा, ठीक है। तो उसी तरह हम निकालते हैं, चेक करते हैं कि क्या आएगा। तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, जीरो, हमें रिजल्ट जीरो चाहिए, तो इसीलिए हम पहले ही जीरो मान लेते हैं कि पी एच इज इक्वल टू 0। तो पी एच का वैल्यू क्या है, 5x+7 इज इक्वल टू 0। अरे तो 5x इज इक्वल टू क्या होगा, -7, एक्स इज इक्वल टू -7/5, क्लियर है। तो एक्स का वैल्यू अगर -7/5 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो बोल सकते हैं -7/5, ठीक है, इज 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, कौन सा, जो हमारे पास दिया हुआ है px इज इक्वल टू 5x+7। तो इस पॉलिनोमियल का ये क्या हो गया, -7/5 जीरो हो गया। समझ में आई बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है देख लीजिए क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ax+b देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीरो ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स दिया है ax+b, हमें जीरो फाइंड करना है एफ एक्स के लिए। तो चलिए देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ax+b, क्लियर है। तो हमें जीरो फाइंड करना है यानी रिजल्ट जीरो आना चाहिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा कि ax+b इज इक्वल टू 0, एच इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस, तो एच इज इक्वल टू -b, एच का वैल्यू देख लीजिए -b/a, तो -b/a इज जीरोज ऑफ
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा जो हमारे पास दिया हुआ है, तो देख लीजिए एफ एच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये माइनस बी बाई ए इसका जीरोज होगा। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे दिया है इफ टू इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल दिया है 4x² + 2x - 5a, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बोल रहा है क्या कि 2 जो है इसका जीरोज है, ये पहले से बता दिया कि 2 इसका जीरोज है, हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, क्लियर, ये हमारे पास पॉलिनोमियल और बोल रहा है 2 इसका जीरोज है, यानी बोल सकते हैं 2 जीरोज है तो 2 वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। 2 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। जो जीरोज रहता है अगर उसकी वैल्यू हम पॉलिनोमियल्स में रखते हैं, एक्स की जगह रखते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। तो 2 जीरोज है यानी 2 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। क्लियर है एकदम। तो 2 अगर रख देते हैं बाय द वे तो क्या आएगा, 4, एक्स की जगह हमने 2 रख दिया, ओके, तो हमारे पास आया 16 + 4 - 5a, ठीक है, ऑलरेडी पता है 2 रख रहे हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो, यानी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आ गया 20 - 5a, ये इधर को जाएगा माइनस है तो प्लस हो गया, 5a इक्वल टू 20, a का वैल्यू क्या आया, 4, फाइंड आउट, ठीक है। इसी तरह से आप भी एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे और करके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पीएच एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x + b, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं, एक जीरोज है 2 और दूसरा जीरोज है -3, तो हमें a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जीरोज पे चलते हैं, p2 का वैल्यू निकालते हैं, जीरोज है यानी रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास जीरो होना चाहिए, तो रिजल्ट जीरो हम रख देते हैं और देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू जा रहे हैं वो क्या रहे, 2 × 4, 2a + 2 + b = 0, यानी कि 2a + b + 6 = 0, 2a + b = -6, तो पहला रिजल्ट तो ये आ गया। दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक है, -3 रखते हैं इसकी वैल्यू, तो -3 रखेंगे तो -3² a + 1 × -3 + b = 0, तो 9 - 3a और -3 + b = 0, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया -3a + b + 6, ठीक है, ध्यान दीजिए -3a + b + 6 = 0, तो -3a + b = -6, ओके, इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं और हमें a प्लस बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, a और b का वैल्यू फाइंड हो गया तो a प्लस बी का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो चलिए देखते हैं, तो यहां पे जो आया ये पहला इक्वेशन है 2a + b = -6, 3a + b = -6, ये, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि यहां पे जो आया 5a आया, ठीक है, = 0, a = 0, a का वैल्यू हमें मिल गया 0। अगर a का वैल्यू 0 मिल गया तो b का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो b का वैल्यू यहीं से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, 2a + b = -6, a का वैल्यू 0 मिल गया है, b का वैल्यू हमें निकालना है, तो b = -6, ठीक है, तो a + b का वैल्यू चाहिए हमें, a + b, तो a + b अगर चाहिए तो 0 - 6 = -6, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -6 का, ठीक
ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले कुछ इंपोर्टेंट तथ्यों को समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसे उसका जीरोज उसके डिग्री पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर जिसका डिग्री जीरो हो यानी कॉन्स्टेंट तो उसका तो जीरोज होगा नहीं, जिसका डिग्री वन हो यानी निलियन तो उसका जो जीरोज होगा वो सिर्फ वन होगा। एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो जिसको रखने पर पॉलिनोमियल्स में इक्वेशंस में रखने पर उसका वैल्यू जीरो आ सकता है, ठीक है। और जिसका डिग्री टू हो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स उसमें दो जीरोज होंगे, दो ऐसी वैल्यू होंगी जिसको रखने पर उसका रिजल्ट जीरो आएगा। उसी तरह जिसका डिग्री थ्री होगा उसमें तीन जीरोज होंगे, जिसका डिग्री फोर होगा उसमें चार जीरोज होंगे, यानी जितना डिग्री उतना जीरोज। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे समझते हैं, तो सबसे पहले आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की तरफ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स पे हम आते हैं। तो ये सब पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू को समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो कोई वेरिएबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी आप नंबर ले सकते हैं जो कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। दूसरी पॉइंट आते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं तो यहां पे देखते हैं कि जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो होता है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डिग्री क्या है वन, दैट्स द स्टैंडर्ड वैल्यू। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर, क्लियर है। दूसरी तरफ आते हैं लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी तरह अगर क्यूबिक की बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो यहां क्या होगा अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसी तरह बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं हम तो क्या होगा, ठीक है। बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं तो यहां पे होगा एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह अगर फोर फाइव पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, एक्स फाइव प्लस बी एक्स फोर प्लस सी एक्स क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। तो इसी तरह आगे चलता जाएगा एन पॉलिनोमियल्स, तो ठीक है। और ये इसी तरह आएगा, ठीक है, एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एक्स पावर एन माइनस टू, और इसी तरह चलता जाएगा एक्स प्लस एक्स पावर जीरो तक, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल के, शुरुआत में इस फॉर्म को हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, लेकिन यहां से ये आ जाता है। तो इन्हीं चीजों को हम समझते हैं। तो सबसे पहला ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स की हम जो बात कर रहे हैं वो इसी पे डिपेंडेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, देख लीजिए, एक्स प्लस बी ये आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको ज्योमेट्रिकल तरीका से शो करते हैं, ग्राफ पे शो करते हैं, तो क्या करते हैं कि जो एफ एक्स है हमारे पास या पी एक्स है जो भी हो, ठीक है, वो आया एक्स प्लस बी, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जो पी एक्स है उसकी वैल्यू हम वाई लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। और हमें पता है कि जब हम जीरोज फाइंड कर रहे हैं तो जो पी एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो, यानी वाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो, यानी जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस।
अगर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इधर प्लस है तो माइनस, माइनस बी, और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हमारे पास जो पॉइंट आया वो एक्स और वाई के फॉर्म में लेंगे। अगर आपने नाइन्थ क्लास में या प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पॉइंट को मूव करते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है, लिनियर में भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वही दिखाएंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास फॉर्म आया और इसी को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, वहां से देखते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 ऑन द ग्राफ पेपर एंड द फाइंड द जीरोज, ठीक है। ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है और जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज कहां होगा, जहां x का वैल्यू रखने पर y जीरो आ जाए, दैट्स द जीरोज, ठीक है। अभी हमने देखा x का वैल्यू अगर रखेंगे y जीरो आ जाएगा, अगर पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो। y क्या है, यहां पर रिजल्ट है, या अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर वो x के फॉर्म में है, तो अगर x के फॉर्म में है, x का वैल्यू रखेंगे और उसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा, और रिजल्ट ही y है, तो वो क्या हो जाए, जीरो। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो उसपे पॉलिनोमियल्स जो हमारा है वो है 2x प्लस 3, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3, क्लियर। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ गया, तो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे और वहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां तो ग्राफ पेपर है नहीं, मैं यहीं पर डील कर देता हूं, तो ठीक है, एक स्ट्रेट लाइंस लेते हैं इधर से, तो ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया, ठीक है, मैंने ग्राफ को शो कर लिया। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं, तो टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास, ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। तो x क्या वैल्यू रखेंगे, y क्या वैल्यू चेकआउट करने के लिए, तो x का कौन सा वैल्यू रखें कि y के वैल्यू हमारे पास, तो सबसे पहले हम रखते हैं अपने पास जीरो। अगर x का वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो 2 इंटू जीरो, जीरो जीरो प्लस 3 वाई 3 आ गया, ठीक है, 1 रखते हैं। x का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस 3 1, क्लियर है। तो इस तरह से वैल्यू आता जाएगा। अगर मान लेते हैं हम माइनस 2 रख देते हैं, तो माइनस 2 अगर रखे तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। इसी चीज को हम पुट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ पे अगर पुट करते हैं तो कैसे आएगा, देखिए पहले 0 3, तो 0 3 की अगर बात करते हैं, x का वैल्यू 0 y पे, ठीक है, ये हो गया 0 3, यहां पे x 0 है और y क्या है, 3 है। दूसरा है माइनस 1, x का वैल्यू माइनस 1, y का वैल्यू 1, यानी कि ये पॉइंट यहां रख लेते हैं माइनस 1 एंड 1, क्लियर। तीसरा है माइनस 2 एंड माइनस 1, ये माइनस 2 हो गया एक्स का वैल्यू, ये माइनस 1 हो गया, यहां आ गया माइनस 2 एंड माइनस 1, क्लियर। इस सबको ज्वाइन करते हैं, ओके, ज्वाइन हो गया, क्लियर। तो जो ये लाइन है हमारे पास, जो भी लाइन आया है, ठीक है, ये क्या आया है, 2x प्लस 3, ये इसी का आया है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ये ग्राफ बन गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करेंगे जहां y जीरो होगा, और y जीरो कहां होता है, जहां x पे कट करता है,
तो इस लाइन पे कहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है। देखेंगे ध्यान से कि माइनस वन और माइनस टू के बीच में है, ठीक है। अगर आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे लार्ज अमाउंट में तो आप क्लियर देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे कि 2s प्लस 3 यानी 0 इक्वल टू 2s प्लस 3 इधर आया, माइनस 3 इक्वल टू 2s, s इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 सॉरी माइनस 3 बाई 2 तो माइनस 3 बाई 2 यानी माइनस 1.5। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ग्राफ पे सही से रिप्रेजेंट करेंगे तो सीधा कहाँ कट करेगा, माइनस 1.5 पे यानी माइनस 1 और माइनस 2 के बीच में। तो माइनस 1 और माइनस 2 के बीच में अगर एच ये आर रखते हैं, एच का वैल्यू कितना रखते हैं, माइनस 3 बाई 2 रखते हैं अगर, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे, क्लियर है, समझ में आ रही बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, माइनस 3 बाई 2 और 0, ओके। तो हमने लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ देखा, लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ देखा, तो जीरोज वही होगा जहां एच जो है जितने पॉइंट पे कटता है उतना ही जीरोज होगा। तो लीनियर ग्राफ में हमेशा एक्स एक ही पॉइंट पे कट सकता है, इसलिए जीरोज कितना होगा, एक ही होगा। उसी तरह हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में दो पॉइंट पे कट सकता है। तो चलिए क्वेश्चन से हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे, पी एच एच स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है कि कितने जीरोज होंगे, ग्राफ से बताना है कि कितने जीरोज होंगे और कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो सेम फॉर्म है, रिजल्ट क्या आना चाहिए जीरोज फाइंड करने के लिए, जीरो यानी y इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिस जिस पॉइंट पर y जीरो होगा वहां वहां जीरोज होगा, ठीक है, y इक्वल टू ये। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल्स पे आते हैं हम। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ओके, एक्स वाई। तो चलिए हम एक्स का वैल्यू रखते हैं, तो एक्स का वैल्यू रखेंगे, वाई का वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगा। तो देखते हैं कि एक्स का वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले एक्स का वैल्यू हम जीरो रखते हैं, अब जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास सिक्स, वाई इक्वल टू सिक्स, जो रिजल्ट आया वही वाई, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू हम वन रखते हैं तो क्या आएगा, वन माइनस फाइव, ठीक है, वन का स्क्वायर वन, माइनस फाइव इंटू वन फाइव प्लस सिक्स, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आया ये हो गया टू, देख लेते हैं एक बार, वन का स्क्वायर वन माइनस फाइव इंटू वन प्लस सिक्स, ठीक है, वन माइनस फाइव प्लस सिक्स सेवन, माइनस फाइव इक्वल टू टू, ठीक है, यहां से आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू रखते हैं टू, तो टू टू जब फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, यानी कि टेन माइनस टेन इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो टू रखेंगे तो जीरो, ठीक है। वापस हम थ्री रख के देखते हैं, एक्स का वैल्यू अगर थ्री रखते हैं तो क्या होगा, 9 माइनस 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 इक्वल टू जीरो, फिर से जीरो आ गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम 4 रखते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 4, अगर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस 20 प्लस 6, ठीक है, 22 माइनस 20 इक्वल टू टू, ठीक है। उसी तरह अगर माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्स यानी 12। तो ये सारी चीजें आई, ठीक है। इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफ पे, चलिए आते हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू सिक्स, ये हो गया जीरो सिक्स, क्लियर। एक्स का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू टू, ये हो गया वन टू, ठीक है। एक्स का वैल्यू टू, वाई का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू टू, वाई का वैल्यू जीरो, टू जीरो, ठीक है। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किए,
एच का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 0। एच का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 2। एच का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 2। इसके सामने ये आया 4, 2। ओके, ठीक है। अब आते हैं एच का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 12, ये आ गया। तो ग्राफ किस तरह का बन रहा है ये देखते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, ठीक है। चलिए 2, 1, -1 यहां से शुरू कर रहे हैं। ये आ गया आपके पास, ये आ गया, ये आ गया और इधर लेने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ है हमारे पास बन रहा है। ध्यान से देखिए कि ग्राफ इस तरह का बन रहा है। तो ये कैसा ग्राफ है? ये पैराबोलिक है। तो जो भी पॉलीनोमियल्स होते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स होते हैं, उसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनता है, ठीक है। कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोलिक ग्राफ बनता है किसका? जो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स है। तो हम इस पॉइंट को ये समझेंगे कि कैसे समझेंगे हमें शुरुआत कहां से करना है। चलो पॉइंट को हमने पुट कर दिया यहां पे, एक्स और वाई का टेबल भी निकाल लिया, लेकिन सबसे पहले ज्वाइन किधर से करेंगे, ठीक है। इसके लिए कैसे समझते हैं कि कोई भी पॉलीनोमियल है, मान लो ये है कि हमने शुरुआत ऐसे न करके ऐसे हम घुमा देते तो ग्राफ उल्टा भी बन सकता था। तो हम कैसे जानेंगे कि जो ग्राफ है अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये कैसे हम समझेंगे? तो इसको समझने के एक सिंपल सा फॉर्म है कि जो भी पॉलीनोमियल्स है उसका, सॉरी, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो हमने आपको पहले बताया है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। तो अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है। इफ ए इज लेस देन जीरो देन ग्राफ इज डाउनवर्ड, ठीक है। समझ में आ रही बात है? तो ए अगर जीरो से छोटा होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ होगा। ये दो पॉइंटें हो गई, ठीक है। लेकिन और भी कंडीशन है कि ग्राफ तो बहुत तरह से बन सकता है। हो सकता है कि ग्राफ बिना एच में टच किए हुए ऊपर ऊपर निकल गया, या टच करके जा रहा है, या फिर कट करके जा रहा है। तो ये कैसे समझेंगे? तो तीन तरीका हो सकता है, तीन कंडीशन बन सकता है। या तो बिना टच किए निकल गया, या फिर टच करके जाएगा, या कट करके जाएगा। तो तीन केस बनता है कि कौन से कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वापस से। सबसे पहले मान लेते हैं ये इक्वेशन लिख लेते हैं। तो तीन केस क्या होगा? ये सारा सर डी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो डी, तो डी इक्वल टू होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है, यही जीरो को डिसाइड करता है। अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा यानी कट करेगा, ठीक है, दो पॉइंट पे वो क्या करेगा? कट करेगा, ठीक है। तो केस वन में देखते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है, यानी दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसमें क्या होगा? डी का वैल्यू जीरो से बड़ा है और ग्राफ कैसा है? अपवर्ड। तो अपवर्ड कब होता है? ए का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है। तो केस वन ये हो सकता है, ठीक है।
या ऐसा भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा है लेकिन ए का वैल्यू जीरो से छोटा है, तो ये कंडीशन आएगी तो डाउनवर्ड होगा इस तरह से, लेकिन दोनों में कट कर रहा है। दूसरा केस लेते हैं, इसमें क्या होगा कि वो टच करके निकल जा रहा है, सपोज ऐसा हो जा रहा है, ऐसे टच किया एक पॉइंट पे और निकल गया। ये कब होता है, जब डी का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, जीरो के। अगर डी का वैल्यू जीरो के बराबर होगा तो ये टच करके निकल जाएगा, तो ये कैसे होगा, अपवर्ड है तो ए इज ग्रेटर देन जीरो, एंड डाउनवर्ड होगा तो ए इज लेस देन जीरो, लेकिन इसमें भी डी का वैल्यू जीरो ही होगा। कभी कभी ये भी हो सकता है जो डी का वैल्यू है, ठीक है, केस थर्ड लेते हैं, इसमें क्या होगा बेसिक तौर पे, ना टच भी नहीं करेगा ऊपर से निकल जाएगा, यानी इसमें एक्स का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ऐसे ग्राफ होगी यानी एक्स का कोई जीरोज नहीं होंगे, ठीक है, वो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। तो ये कब होगा, डी का जो वैल्यू है वो जीरो से छोटा होगा, ठीक है, अपवर्ड है तो ए का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, ए इज लेस देन जीरो, तो ये सारे कंडीशन हमारे पास आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि एक्स को जितने पॉइंट पे काटेगा उतना ही जीरोज होगा, चाहे किसी तरह का पॉलिनोमियल, लिनियर में एक पे काट रहा था, क्वाड्रिक में टू पे काट रहा है, क्यूबिक में तीन पे काटेगा, ठीक है, तो जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना ही जीरोज आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, रिप्रेजेंटिंग द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव ऑन ग्राफ पेपर एंड फाइंड द जीरोज, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले आप टेबल बनाते हैं फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। पहले ध्यान दीजिए, तो x का वैल्यू माइनस टू रखते हैं तो रिजल्ट हमारे पास y इज इक्वल टू सेवन आया, माइनस वन रखते हैं तो जीरो आया, जीरो रखे तो माइनस फाइव आया, वन रखे तो माइनस एट आया, टू रखे तो माइनस नाइन आया, थ्री रखे तो माइनस एट, फोर रखे तो माइनस फाइव और फाइव रखे तो जीरो, इस तरह की वैल्यू आता है, आप पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए आते हैं, x इज इक्वल टू माइनस टू, y इज इक्वल टू सेवन, टू माइनस, ठीक है, टू सेवन, ये पॉइंट आ गया, माइनस वन जीरो, एस इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू जीरो, यहां पे आ गया माइनस वन जीरो, ओके। दूसरी तरफ आते हैं, जीरो माइनस फाइव, जीरो एस इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस फाइव, यहां पे आया जीरो माइनस फाइव, ठीक है, वन माइनस एट, वन माइनस एट, थोड़ा सा अलग है, वन माइनस एट, ठीक है। उसके बाद आया टू माइनस नाइन, टू माइनस नाइन, इससे थोड़ा और अलग, ओके। उसके बाद आया थ्री माइनस एट, थ्री माइनस एट, यानी कि यहीं पे है थ्री माइनस एट, ओके। उसके बाद आया फोर माइनस फाइव, फोर माइनस फाइव, डैश पॉइंट, फोर माइनस फाइव, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं फाइव जीरो, फाइव जीरो, ये आ गया फाइव जीरो, ठीक है, इस तरह की रिजल्ट बनी। अब हमें ये देख लेते हैं कि जो ग्राफ है अपवर्ड है डाउनवर्ड, एक्स यानी कि ए जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशियंट है वही तो ए है, ए क्या है जो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट में है,
तो यहाँ पे एच स्क्वायर है, यानी ए का वैल्यू क्या होगा, वन। तो अगर ए का वैल्यू वन आया, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड होगा ग्राफ। तो शुरुआत यहां से करते हैं, इसको ज्वाइन किए, ठीक है। इसके बाद फाइव पे आया, उसके बाद आया एट पे, फिर नाइन पे, फिर वापस जा रहा है ऐसे। तो ग्राफ ये हो गया हमारे पास, क्लियर है। ये किसका ग्राफ हुआ, एच स्क्वायर माइनस फोर एच माइनस फाइव का। किस किस पॉइंट पे कट रहा है, एक तो कट रहा है माइनस वन पे और एक कट रहा है फाइव पे। तो हमारे पास दो जीरो आ गए, माइनस वन और फाइव और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एच स्क्वायर माइनस फोर एच माइनस फाइव। तो इसका ये जीरो आया दो, ठीक है। तो इसी तरह आगे भी चलते जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स निकाल के देखिए, आपके पास क्वेश्चन ये है, सेम करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एच का वैल्यू रखेंगे, वाई का वैल्यू आ जाएगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स निकालेंगे तो एच को एक्सिस को वो तीन पॉइंट तीन जगह पर कटेगा, तीन पॉइंट पे कट करेगा। तो तीन पॉइंट पे कट करेगा तो जो ग्राफ है वो जनरली किस तरह का रिप्रेजेंट होगा, मान लेते हैं इस तरह से है, तो एक पॉइंट पे कटा, फिर ऊपर गया, फिर दूसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे पॉइंट पे। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं, शायद आप एग्जांपल से भी हम चेकआउट कर सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द क्यूबिक पॉलिनोमियल एच क्यू माइनस फोर एक्स ऑन द ग्राफ पेपर, फाइंड द जीरोज, ठीक है। तो इसको भी मान लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एच क्यू माइनस फोर एक्स, अगर ये है तो टेबल बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए, क्लियर है। तो चलिए टेबल पे आते हैं, ठीक है। तो एच का वैल्यू माइनस टू रखते हैं, जीरो आ गया रिजल्ट, माइनस वन रखे थ्री आ गया, जीरो रखेंगे तो सिंपल सी बात है जीरो आ जाएगा, वन रखेंगे, वन रखे देखो वन वन माइनस थ्री, ठीक है। टू रखेंगे टू टू एट, एट एट माइनस एट जीरो। तो करते हैं तो टू जीरो, पहले एच इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू जीरो, यही आ गया टू जीरो, ठीक है। एच इक्वल टू माइनस वन, y इक्वल टू थ्री, ये हो गया माइनस वन थ्री, ठीक है। जीरो जीरो यहां पे है, क्लियर है। एच इक्वल टू वन, y इक्वल टू माइनस थ्री, यानी यहां पे आएगा, ठीक है। टू जीरो, ये तो हो गया माइनस टू जीरो, माइनस टू जीरो, ये आ गया माइनस टू जीरो, क्लियर है। तो इस तरह का हमारे पास जो भी आया है, तो चले रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो से पहले ये देखते हैं कि ये तीन पॉइंट कट कर रहा है, तो इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगर ये कट कर रहा है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, तो हमेशा ही एक बात ध्यान देने वाले है, ठीक है। एक बात ध्यान देने वाला यह है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे चाहे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स होंगे, तो वो एक पॉइंट जो होगा वहां कर्व होता रहेगा, जैसे ये कर्व होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पॉइंट्स नहीं आएंगे, पूरी तरह से ये कर्व आता है ऐसे, क्लियर है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को देख के बताइए कि इसमें कितने जीरोज हैं, इस फिगर को देखिए और बताइए कि इसमें कितने जीरोज हैं, क्लियर। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, ठीक है। अगर कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ठीक है, ताकि अपने को भी समझ में आए कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।